तो आप कहते हैं तो आज मैं केक बन हम लोग स्पेशल केक बनाएंगे जो आपको भी देख के मन लगेगा। गोल्डी की दुनिया, तो आज हम लोग स्पेशल केक बनाएंगे जो आपको भी देख के मन लगेगा। तो आप बोलो मम्मी केक बनाओ केक बनाओ, मम्मी बोल रही, मैं बोल रहा था मम्मी से मम्मा केक बनाओ केक बनाओ, तो मम्मा बना ही नहीं रही थी तो मैंने सोचा हम लोग खुद ही बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है प्रीमिक्स पाउडर एंड दूध, तो अब हम लोग इसको अच्छे से बनाएंगे। प्रीमिक्स पाउडर आपको मम्मी के चैनल पे मिल जाएगा और आपको दूध भी मिल जाएगा इसके साथ में। तो बुल एंड स्टेनर लेंगे और इसको हम लोग इसमें डालेंगे। तो चलो डालते हैं। जी स्पून से इसे छान देना है और कोई लम्स ना रहा है। बहुत आराम से करना होगा नहीं तो मिक्सचर बाहर गिर सकते हैं। सॉरी थोड़ा बाहर गिर गया। अभी मैंने इसको छान दिया है तो अभी हम लोग इसको साइड में रख लेते हैं। डालेंगे ये, तब हमने ऑयल डाल दिया, अब हमने दूध डालेंगे। हम ज्यादा कर सकते हैं, हम अच्छे से करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। ये केक बनाने का बहुत शौक है इसलिए, क्योंकि मैं अपनी मम्मी का चैनल का हूँ इसलिए मैं भी थोड़ा यूट्यूबर रहता हूँ ना इसलिए। तो कभी कभी मेरी मम्मी भी वो रेसिपी बनाती है अच्छा सा, तो भी मुझे कभी कभी पसंद आता है, या बर्गर हो या पिज्जा हो या फ्रेंच फ्राइज हो, ये मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है विदाउट लम्स। तो देखिए कितना अच्छे से मिक्स कर रहा है। अनमोल आप क्या बना रहे हो? मैं बना रहा हूँ केक, आप खाना चाहेंगे? पहले आप बना तो लीजिए। ओके। यम यम। शेफ बनाते भी हैं और खुद ही खा भी लेते हैं। अरे नहीं थोड़ा सा वो तो बचा था नहीं चाहिए थोड़ा ट्रांसफर करेंगे मोल्ड में। तो देखिए क्या ऐसा टेस्ट, हमने स्क्वायर मोल्ड लिया है, तो अब हम लोग राउंड शेप या स्क्वायर शेप या ट्रायंगल शेप भी ले सकते हैं। हाँ और इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे। फिर हम ऑयल लगा रहे हैं क्योंकि केक अच्छे से बाहर आ सके। वेरी गुड अनमोल, ये सब आपको किसने सिखाया है इतना सब कुछ? ये सब तो मेरी मम्मा ने है। हाँ। जो मम्मा मुझे बताती है वो मैं सीखता हूँ। तो मम्मा तो आपको गुड गुड हैबिट्स भी सिखाती है, वो तो आप नहीं सीखते हो? वो तो मुझे आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे। हमने इसको ग्रीस कर लिया चारों तरफ, ये देख सकते हैं। मोल्ड में डाल
डालिए, अब हम इसको टैप टैप करेंगे। तो अब मैं अपनी मम्मा की हेल्प लूंगा इसको कुकर में डालने की, और आप इसको ओवन में भी रख सकते हो। यहाँ पर मैंने कुकर को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, अब हम इसमें एक जाली डाल देंगे ताकि इसमें केक बहुत ही आसानी से बेक हो जाए। ये काम छोटे बच्चे बिल्कुल ना करें, अपने पेरेंट्स की हेल्प जरूर ले लें। ये बच्चों का हाथ भी जल सकते हैं। वेरी गुड, तो हम इस मोल्ड को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। देखिए एकदम परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इसे ढक करके अच्छी तरीके से बेक करना है लगभग 45 to 50 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे। तो मैं इसे ढक दूंगी, 40 to 45 मिनट्स के बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी। 5 मिनट्स के बाद हम लोग आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी ये हो गया, तब हम इसको अच्छे से आपको दिखा देंगे। ये देखो अच्छा लग रहा है ना गाइस, आपको इतना बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर, और वो जो छोटी कंदी उसको भी दबा देना। तो ये देखिए हम लोग आपको मिलाते हैं, तो उसको पूरा बाहर निकालेंगे। तो ये मेरी मम्मा निकाल रही है, नहीं तो बच्चे भी जल सकते हैं, है ना मम्मा? तो गाइस बहुत ज्यादा गर्म है भाई, मैं तो गुदिया जल गया। अभी हम लोग इसको बाहर निकालेंगे अच्छे से, तो इसके लिए मम्मा की हेल्प करनी होगी। अरे मम्मा की हम लोग को हेल्प की जरूरत है, तो मम्मा इसको निकालेगी। सो केक बहुत ज्यादा प्लफी बना है, तो अब मुझे इसे मोल्ड में से बाहर निकाल लेना है। तो केक गाइस, तो केक मम्मा ने कट कर दिया, और आप ये देख सकते हैं हाथ नहीं है, हम लोग को इसको इसमें डाल दें। तो गाइस हमारा केक रेडी है, आप कमेंट्स में बताना एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, तो मैंने बहुत इसको मेहनत से बनाया। तो आप भी इसे घर पर ट्राई करिए, और हम इसका मजा लेते हैं। बाय बाय। सो अनमोल ने अपना बनाया हुआ केक कट कर लिया है। सो ये देखिए अनमोल ने बनाया है बहुत ही डिलीशियस सा केक, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हाँ ये देखिए अनमोल खा भी रहा है इसे। कैसा अनमोल? बहुत टेस्टी है।